हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल एंड यू आर प्रिपरेशन फॉर टुमारो एग्जाम, दैट इज सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग इज गोइंग ऑन अमेजिंगली वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्री टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, जो आपको एग्जाम से पहले 15 मिनट्स जस्ट फॉर रीडिंग मिलते हैं, उसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक, दैट इज हाउ टू कंप्लीट 100% अकाउंटेंसी पेपर। बच्चों को बहुत क्वेरीज आती हैं, सर हमें अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो वो टाइम लिमिट जो हमारी है वो एक्सपायर हो जाती है। तो कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं जिससे हम लोग सक्सेसफुली पूरा एग्जाम अपना 100% पेपर 3 आवर्स के अंदर अचीव कर पाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट इज प्रेजेंटेशन एंड सम छोटी छोटी टिप्स, उन पर भी हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, कैसे हम लोग 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे वाइल गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे पहले जो इसमें बात निकल के आती है वो है आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से क्वेश्चन है विच यू वॉन्ट टू स्किप, कौन से क्वेश्चन है वो आप स्किप कर सकते हैं। यू ऑल नो कि एक आपको पूरे पेपर में क्वेश्चन पेपर में चॉइस मिलने वाली है और वो पूरे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को पहले ही आपने 15 मिनट रीडिंग टाइम में देख के समझ के अपनी पूरी लिस्ट से क्या कर देना है, बिल्कुल बाहर कर देना है और उस पर क्रॉस लगा देना है। दैट मीन्स आपको अब पूरे पेपर में उस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, आपको वहां पर टाइम स्पेंड ही नहीं करना। तो जब आप ऐसे अपना टाइम बचाएंगे तो अल्टीमेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सेकेंड इज सर्च फॉर बेस्ट टू कंप्लीट क्वेश्चन इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। आपको पूरे एग्जाम पेपर में दो ऐसे क्वेश्चन सर्च करने हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और वही दो क्वेश्चन मोर ऑर लेस आपके पहले 1 आवर के टाइम पीरियड में आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है या आप कंफर्टेबल हैं। ओके, तो 15 मिनट में हम कम से कम ऐसे दो कंप्लीट क्वेश्चन तो पक्का पक्का ढूंढ ही सकते हैं। कंप्लीट का मतलब उसके सारे पार्ट भी आपको अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज आपको कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करें उसके साथ में ही आपको सारे पार्ट सॉल्व करने होते हैं। दैट इज नोन एज अ बेस्ट प्रेजेंटेशन। आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन का हमने एक पार्ट किया फिर किसी दूसरे क्वेश्चन पे चले गए उसका कोई और पार्ट करने लग गए, दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। आपको एक ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है और उसके सारे के सारे पार्ट आपको वहीं पर करने हैं। ओके, तो ऐसे आपको टू क्वेश्चन सर्च करने हैं इन योर 15 मिनट रीडिंग टाइम। देन यू कैन अंडरलाइन और मेक डॉट, सिंपली आपको एक डॉट लगाना है फॉर सम स्पेशल पॉइंट या एडजस्टमेंट। आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कोई एडजस्टमेंट ऐसी लगती है कि थोड़ी ट्रिकी है, या आपने जब पढ़ा था तो भी आपको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो वो आपकी मिस्टेक वाइल सॉल्विंग द पेपर ना हो जाए, उसके लिए आप एडवांस में उसके आगे एक छोटा सा डॉट लगाएंगे। कोई वर्ड टेक्निकल है उसको अंडरलाइन करेंगे, जो आपने 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में तो पढ़ लिया है, समझ लिया है, हो सकता है बाद में आप भूल जाए, तो आप बाद में ना भूलें। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, जस्ट उस पर अंडरलाइन करना या डॉट लगाना है। वो आपको जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपको अवेयरनेस देगा कि भाई ये आपने जब रीड किया था तो आपको इसमें कुछ टेक्निकल लगा था, अब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये काम आप जरूर करेंगे, और ये काम आपको किससे करना है, ये काम आपको यहां पर पेंसिल से करना है। इन ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन, यू ऑल नो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसमें ट्रू फॉल्स बेस्ड स्टेटमेंट्स पूछी जाएंगी। पुट डॉट, आप डॉट लगाएंगे अगर आपको लगता है वो ट्रू है, और आप उसको खाली छोड़ देंगे अगर वो फॉल्स है। ओके, तो इससे जो भी आप एनालाइज कर रहे हैं ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट में, वो बाद में आपको एनालाइज नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपने एक बार सोचा और बाद में जब सॉल्व करेंगे दोबारा से सोचेंगे तो आपका डबल टाइम लगेगा, आप 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर आप पहले ही जब उसको रीड कर रहे हैं आप वहीं पर, अगर आपको लगता है वो ट्रू है तो आप डॉट लगाएं, और अगर आपको लगता है वो फॉल्स है तो आप कुछ भी मत करें, वो ब्लैंक ही उस चीज का सिग्नल है कि मुझे इसका आंसर यहां पर फॉल्स लिखना है। तो जब आप एक्चुअल में लिखना स्टार्ट करेंगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले सोच चुके हैं। आगे चलते हैं, मार्क और अंडरलाइन बाय पेंसिल ओनली। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें जो भी आप मार्किंग करेंगे, जो भी आप अंडरलाइन करेंगे, जो भी आप डॉट लगाएंगे, दैट शुड बी डन बाय पेंसिल ओनली। डोंट सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने नहीं लग जाएंगे कि आप वहां पर ही कुछ ना कुछ एंट्रीज लिख रहे हैं या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। आप ये छोटे छोटे काम जो मैंने बताया वो जरूर कर सकते हैं, और ये काम बिल्कुल भी अनफेयर मीन्स का पार्ट नहीं बनते। इसके अलावा अगर आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे सो आई डोंट कमेंट कि उस पर क्या और चीजें निकल के आ सकती हैं, तो आई डोंट रिकमेंड यू कि आप वो सब चीजें करें। ऑल राइट, तो ये हमारा था हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट रीडिंग टाइम के ऊपर एक छोटी सी टिप्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ टू कंप्लीट 100% पेपर इन 3 आवर्स। क्या 100% पेपर अकाउंटेंसी का पॉसिबल है?
बिल्कुल 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 पॉसिबल है, अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखते हैं और 100% पेपर अगर आप करते हैं तभी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती है कि आप 90 प्लस 95 प्लस लेके आएंगे, और पास में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंटेंसी में 90 95 प्लस आए हुए हैं, तो इट इज वेरी वेरी रियलिस्टिक और यू कैन ऑल्सो अचीव दैट। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है भाई, ऑलवेज वॉच योर वॉच, जो आप वॉच पहन के जाएंगे उसको आपको बार बार देखना टाइमली, और वो एक सिंपल वॉच होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से और कोई भी फंक्शंस नहीं होने चाहिए जिसको वो अनफेयर मींस की कैटेगरी में फॉल करें, एक सिंपल आप नॉर्मल वॉच लेके जा सकते हैं। तो आपको उसको बार बार देखना है एंड टेक्निकली यू हैव 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क। आप सबको बताएं कि आपके पास 3 आवर्स है पेपर सॉल्व करने के लिए, 3 आवर्स का मतलब होता है 180 मिनट्स, और जो पूरा का पूरा एग्जाम है वो कितने मार्क्स का है, वो है 100 मार्क्स का। तो अगर हम उसके हिसाब से सोचें तो आपके पास 1.8 मिनट्स हैं 1 मार्क के। ओके, ऑन द सेफर साइड हम 1.8 मिनट्स नहीं लेंगे, हम सॉल्व करेंगे विद इन 1.7 मिनट्स फॉर 1 मार्क। तो इसका मतलब अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इसके लिए आपके पास 17 मिनट्स हैं, आप 17 मिनट्स में उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, विच इज प्रीटी मच ओके, आप आराम से उसको इतने टाइम पीरियड में सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपने टाइम से बहुत कम टाइम लेते हैं, जैसे जो जर्नल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी मार्किंग अच्छी खासी होती है लेकिन वो उतना टाइम नहीं कंज्यूम करते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अपने टाइम से भी ज्यादा टाइम ले लेते हैं, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप पूरा पेपर करेंगे आप उसकी अपने आप एवरेज मेंटेन कर लेंगे, और वो आपको कैसे ट्रैक पे रखेगी उस पर भी मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूं। तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद आपको वॉच देखनी है। सर ये पता कैसे चलेगा 1 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, वो आप थोड़ा सा बीच में चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम बचा हुआ है। तो आफ्टर 1 आवर आपका बेंचमार्क क्या रहेगा, आपको 35 मार्क्स पेपर आपका हो जाना चाहिए। 35 मार्क्स की अगर मैं बात करूं मतलब आप मान के चलो अराउंड 2 क्वेश्चन, अगर आप पहला क्वेश्चन ही पहले करते हैं तो 20 प्लस 16 अराउंड 36 मार्क्स का आपका पेपर वैसे भी हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन का आपको पक्का पक्का टारगेट बनाना ही बनाना है पहले घंटे में जो आप 1 आवर में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आपका 70 मार्क्स का पेपर पक्का पक्का हो जाना चाहिए। अगर आप इन बेंचमार्क को, इन टारगेट्स को अचीव करेंगे, देन ऑब्वियसली आप 3 आवर्स में भी 100 मार्क्स का पेपर सक्सेसफुली करके बाहर आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें पहले लगता है कि हमने किया हुआ और हम कर लेंगे, लेकिन जब सॉल्व करने लगते हैं तो हमें कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, हम उस क्वेश्चन को कट करते हैं, सोचते हैं दोबारा से ट्राई करें। अगर आपके साथ भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो, कभी कभी हम नर्वस भी हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इफ यू गेट कंफ्यूज इन सम क्वेश्चन बी काम, आपको आराम से यू कैन टेक डीप ब्रेथ, आप पानी पी सकते हैं, टेक 1-2 मिनट्स, आपको 1 से 2 मिनट लेना है उसको देखने में कि हम क्या अभी भी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। एंड इफ स्टिल यू आर अनेबल टू रिकॉल, अगर आपको रिकॉल हो रहा है आप सॉल्व कर रहे हैं देन इट्स वेल एंड गुड, बट इफ स्टिल यू आर अनेबल टू रिकॉल मूव फॉरवर्ड, आपको उस क्वेश्चन को वहां पर छोड़ देना है और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन को अपनी ईगो पे, अपने माइंड में नहीं लेके जाना कि सर ये तो क्वेश्चन हमने क्लासेस में, हमने होमवर्क में, हमने टेस्ट में बहुत बार किया और अच्छे से मैंने सॉल्व किया, अब ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इसको बिना करे आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ये तो आज मैं करके ही डालूंगा। तो ऐसी ईगो आप अपने साथ नहीं लेके चलेंगे, ये आपके पेपर को खराब कर सकती है। आपको 1-2 मिनट देने हैं, अगर वो सॉल्व हो रहा है इट्स वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो आगे बढ़ेंगे और बाकी पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और एंड में उस क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे कि क्या उसमें कुछ इश्यू हुआ या अब हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम पूरा पेपर सॉल्व कर चुके होते हैं, हम इतना पॉजिटिव फील करते हैं कि वो जो क्वेश्चन हमारा बीच में छूटा भी होता है हम उसको भी इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे जरूर जरूर ध्यान करेंगे जब आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग में, दैट इज प्रेजेंटेशन टिप्स। सर प्रेजेंटेशन टिप्स कैसी हम लोग रखें जिससे हमारा एग्जामिनर बहुत खुश हो जाए और हमको हर क्वेश्चन में वो मैक्सिमम मार्क्स अवार्ड करे जितने वो कर सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ बहुत अलग नहीं करना, वही सब चीजें करनी है जो आप लोगों ने क्लासेस में करी। मैं आपको स्किल वापस से रिमाइंड करा देता हूं कि क्या क्या वो छोटी छोटी बातें थी। सबसे पहले आपको जो नरेशन लिखनी है स्पेशली इन जर्नल में, आपको वो एज शॉर्ट एज पॉसिबल लिखनी है, जितनी छोटी हो सके उसमें आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है कि इस एंट्री में क्या हो रहा है। कुछ कुछ टॉपिक्स में मैंने आपको शॉर्टकट्स भी बताए हैं, कुछ हैक्स भी बताए हैं जिसको आप पक्का पक्का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपको कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू कैन राइट बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, दैट्स इट। और बाकी जगह पर भी जहां पर आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं राइट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, उसके कोई अलग से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसको मिस करेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे जरूर। तो हमको लिखना जरूरी है, लेकिन कुछ भी लिखें छोटा मोटा, दैट विल वर्क। आगे चलते हैं, मेक प्रॉपर फॉर्मेट्स एज पर रिक्वायरमेंट। तो जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाने हैं, जो किसी चैप्टर में आपको किसी पर्टिकुलरली अकाउंट या स्टेटमेंट या किसी भी चीज के लिए जो फॉर्मेट्स आपको बताए गए हैं, जो आपने आज तक बनाए हैं पढ़ा है, उसी के हिसाब से आपको यहां पर फॉर्मेट बनाने हैं।
नो नीड टू यूज पेंसिल। अब बच्चों की आदत होती है वो क्वेश्चन पेपर मिलते ही पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट्स बनाएंगे, अपने रूलर से स्केल से स्केलिंग करेंगे। इट टेक्स मच ऑफ योर टाइम, तो ये चीजें मत करो। हमारे जो हैंड्स हैं हम इनको ही स्केल की तरह यूज कर सकते हैं, और थोड़ा सा इधर उधर भी अगर हमारी लाइन बन जाएगी उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ भी अकाउंट बना रहे हैं तो आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं भी बना रहा हूं, आप जबरदस्ती उसको ऐसे तो नहीं बनाएंगे। ओके, तो आपका हैंड काफी है जो एक स्केल का काम कर सकता है, एक रूलर का काम कर सकता है, आप उसी को वहां पर यूज करेंगे। एंड स्केल वाइल मेकिंग फॉर्मेट, सो नो नीड टू यूज पेंसिल एंड स्केल वाइल मेकिंग फॉर्मेट। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं है अपने हैंड से ये अकाउंट्स बनाने में या फॉर्मेटिंग करने में, तो ही और शी कैन यूज दैट स्केलिंग पार्ट। अदरवाइज अगर आपने इतनी बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए हैं, खुद हैंड से आपने स्केलिंग वगैरह अकाउंट बनाए हैं, देन देर इज नो नीड, और आप उसको अपने ओन पेन से ही कर सकते हैं। तो जो भी पेन आप यूज कर रहे हैं, बेसिकली ब्लैक पेन इज रिकमेंडेड, तो आप उसी से पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करें। ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेश पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आप उसी पुराने वाले क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट में या बचे हुए पेज पे ना स्टार्ट करें क्वेश्चन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक न्यू पेज लेना है, फ्रेश पेज लेना है। पेज की यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, और उसमें आपको अपना नया पेज नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं लेट सपोज मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर लिखना है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, और इवन उसका जो पार्ट है वो भी आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ये कहीं छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर को ये बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि स्टूडेंट कौन से क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम सारे क्वेश्चन को इकट्ठे आंसर करते हैं, उसमें कुछ हम लोग कुछ भी उसमें डिवाइडर्स नहीं डालते, और कई बार वो क्वेश्चन हमारा चेक होने में मिस हो जाता है। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना, फ्रेश पेज से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इनफ स्पेसेस लेंगे जिससे आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर नंबर शुड बी प्रॉपरली विजिबल, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, जो आपका आंसर का नंबर है, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। आप उसमें शीट की बिल्कुल मिडल एरिया ले सकते हैं, या फिर आप लेफ्ट कॉर्नर ले सकते हैं। राइट कॉर्नर में लिखना दैट इज नॉट रिकमेंडेड, कि आप राइट में लिखेंगे आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। आई होप ये सब चीजें भी आप जरूर जरूर ध्यान में रखेंगे। एंड लास्ट अदर टिप, जो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मेरे पास बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो आई थॉट कि इसको भी इसी वीडियो में एड्रेस कर लिया जाए। तो जिसमें सबसे पहले निकल के आता है, डू कैरी ऑल स्टेशनरी आइटम्स, जो भी स्टेशनरी आइटम्स आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। पेन, किसी को पेंसिल चाहिए तो पेंसिल भी, स्केल, एवरीथिंग, और पेन भी, ये नहीं कि बस एक ही पेन लेके जा रहे हैं। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप तीन चार पेन आराम से लेके जाइए, प्रॉपर प्रॉपर रिफिल्ड पेन, जिससे आपको एग्जाम में बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, और इधर उधर से एग्जाम में आपको किसी और से स्टेशनरी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिट कार्ड जरूर जरूर लेके जाएंगे, इस पे बहुत बार इश्यूज आ चुके हैं, स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं और उसके बाद वो वहां पर एग्जामिनर से और बाकी लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमको एंट्री मिल जाए। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ये आपको बिल्कुल एडमिट कार्ड अपने साथ पहले ही रख लेना है। एंड टू कैलकुलेटर्स, और साथ में दो कैलकुलेटर आप लोग लेके जाएंगे। बच्चे बहुत सारे मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर क्या दो कैलकुलेटर्स अलाउड हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% अलाउड हैं, आप दो कैलकुलेटर्स एग्जाम में कैरी करेंगे, बिकॉज यू नो कैलकुलेटर एक टेक्निकल ऑब्जेक्ट है, कभी भी खराब हो सकता है, वी डोंट नो, तो उसके हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो दो कैलकुलेटर आप लोग लेके जाएंगे वर्किंग कंडीशन वाले, एंड इट शुड बी सिंपल कैलकुलेटर एंड इट इज 100% अलाउड, कोई भी आपको वहां पर मना नहीं करेगा कि आपने दो कैलकुलेटर कैरी क्यों की है। नेक्स्ट इज डू कैरी यूर वाटर बॉटल, जब भी आप फील करें डिहाइड्रेटेड या थोड़ा सा भी नर्वस, तो आपको काम रखने के लिए वो वाटर बॉटल बहुत काम आने वाली है। इसके लिए आपको बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, और आपका टाइम ऑटोमेटिकली सेव होगा। अपने साथ आप वाटर बॉटल रखेंगे और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी उसका एक सिप लेंगे, बहुत ज्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना वाटर को, एक सिप लेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पेपर करना। नेक्स्ट इज डू कैरी कार्डबोर्ड एज वेल, तो आपको साथ में कार्डबोर्ड भी रखना है। सर कार्डबोर्ड वाला काम तो बचपन में करते थे, अब हम क्यों करेंगे? तो देखो यहां पर भी आपको बिल्कुल अभी बचपन ही अपने आप को लेके चलना है, बिल्कुल बच्चा ही बने रहना है। आपको वो स्टाइल या वो टशन को फॉलो नहीं करना कि कोई कहेगा कि सर कार्डबोर्ड लेके जाने से हमारा स्टाइल कम होता है। तो अगर पेपर अच्छा जाता है उन स्टाइल को कम करने के बाद, तो आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और हमको नहीं पता जो हमारा स्टैंड सेंटर जहां पर पड़ा है वहां पे डेस्क कितने एप्रोप्रिएट है, तो अगर वहां पर डेस्क आपको प्रॉपर नहीं मिला और आपको लिखने में कुछ इश्यू आ गया, तो फिर ऑब्वियसली उससे बेटर यही है कि हम लोग अपना कार्डबोर्ड साथ में पक्का पक्का कैरी करेंगे, और सब लोग यहां पर कैरी करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बच्चों में बहुत इशू होता है, वो पेपर खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स या जो भी उनको मिलता है उनसे डिस्कस करने लग जाते हैं कि इसके क्वेश्चन का आंसर क्या था, इसमें तूने क्या किया। ये आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना,
बिकॉज ये आपको अफेक्ट कर सकता है रिमेनिंग एग्जाम्स के लिए। हम लोग खुद डिस्कस करेंगे व्हेन ऑल द एग्जाम पेपर्स आर ओवर, जब आपके सारे पेपर हो जाएंगे हम लोग खुद से आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो नो नीड टू डिस्कस पेपर आफ्टर एग्जाम, कोई भी कुछ भी डिस्कस नहीं करेगा, बस पेपर देके आएंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे और अगले पेपर की हम लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल कम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल इन फ्लाइंग कलर्स, डू अटेम्प्ट 100% पेपर, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।